हिंदी सिनेमा इतिहास में जब भी गानों का जिक्र होता है तो एक नाम जरूर स्वर्णिम अक्षरों में दिखाई पड़ता है, वो है मोहम्मद रफी। एक ऐसा फनकार जिसे आज भी लोग उनके गानों के माध्यम से याद करते हैं, चाहे नीचे के सुर हो या ऊपर वाले गीत। मोहम्मद रफी को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो ना जाए, जरा पास आओ तो ना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो ना जाए, जरा पास आओ। हिंदी के अलावा असामी, कोंकणी, भोजपुरी, ओडिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मागी, मैथिली, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, फारसी, अरबी और डच भाषाओं में भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं। आइए जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ खास बातें। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। एक वक्त के बाद रफ़ी साहब के पिता अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए थे। मोहम्मद रफ़ी का निकनेम फीको था और बचपन से ही राह चलते फकीरों को सुनते हुए रफ़ी साहब ने गाना शुरू कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निज़ामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मात्र 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफी ने लाहौर में उस जमाने के मशहूर अभिनेता KL सहगल के गानों को गाकर पब्लिक परफॉर्मेंसेस देते थे। रफ़ी साहब ने सबसे पहले लाहौर में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए सोनिए नी हीरिए नी गाना गाया था। मोहम्मद रफ़ी ने मुंबई आकर साल 1944 में पहली बार हिंदी फिल्म के लिए गीत गाया था। फिल्म का नाम था गांव की गोरी। मोहम्मद रफ़ी को एक दयालु सिंगर माना जाता था क्योंकि वो गाने को लेकर कभी भी फीस का जिक्र नहीं करते थे और कभी कभी तो 1 रुपये में भी गीत गा दिया करते थे। चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। मोहम्मद रफी ने सबसे ज्यादा डुएट गाने आशा भोसले के साथ गाए हैं। रफी साहब ने सिंगर किशोर कुमार के लिए भी उनकी 2 फिल्में बड़े सरकार और रागिनी में आवाज दी थी। मोहम्मद रफी को क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 1967 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद रफी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 31 जुलाई 1980 में उनका देहांत हो गया और खबरों के अनुसार उस दिन जोर की बारिश हो रही थी। रफ़ी साहब के देहांत पर मशहूर गीतकार नौशाद ने लिखे, गूंजते हैं तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ों की गरीबों में भी है तेरे साज, यूं तो अपनी मौसिकी पर सबको फख्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसिकी को भी आज तुझ पर है नाज। आज मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म तिथि पर हमारी तरफ से छोटी सी श्रद्धांजलि। तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए,